हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ निधि एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट ओके सो दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर दैट इज अबाउट अ वेरी वेल नोन हॉलो सर्वाइवर ठीक है सबसे पहले समझते हैं हॉलो क्या है ठीक है सो वी ऑल नो अबाउट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ठीक है वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या था जब हिटलर ने यूरोपियन uh, कंट्रीज पे काफी कंट्रीज पे अपना बेसिकली कब्जा कर लिया था राइट तो बेसिकली uh, उस टाइम पे क्या हुआ था हिटलर ने

ज्यू एथनिसिटी को बिलोंग करती थी एंड शी वॉज वन ऑफ दो पीपल हु फ्रॉम हिटलर्स आर्मी ठीक है तो काफी सारे इस टाइम पे क्या होता था यूरोपियन कंट्रीज में जो ज्यूस थे वो हाइडिंग में चले गए थे क्यों क्योंकि उन्हें बचना होता था जिन भी ज्यूस को हिटलर की आर्मी फाइंड कर लेती थी ही वुड पुट दिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और

टीनेज़र थी प्री टीन थी ठीक है और उन्होंने राइटिंग जो थी उनकी ये काफी वर्ल्ड फेमस है क्यों क्योंकि दिस गिव्स अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट लिविंग अंडर दैट रूल वाज लाइक बेसिकली शी वाज हाइडिंग शी डिड नॉट हैव अ नॉर्मल लाइफ टू लिव फॉर द टाइम दैट शी वॉज इन हाइडिंग ठीक है तो दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एन फ्रेंक लेट्स रीड

Her and her family went to hide, और शी वॉज बोर्न इन जर्मनी ठीक है वो ज्यू थी और उन्होंने अपना अकाउंट जो है काफी उस टाइम की लाइफ वो काफी कुछ डॉक्यूमेंटेड है उस डायरी में ठीक है शी इज अलिब्रेटेड डायरिस्ट हू डिस्क्राइब एवरी डे लाइफ फ्रॉम हर फैमिली हाइडिंग प्लेस इन एन एमस्टरडेम एटेक एमस्टरडेम क्या है नेदरलैंड की कैपिटल है ठीक है एंड रिकॉर्डेड इन अ रेड चेकर डायरी ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेबल फैक्ट कपल्ड विद हर ओन रिफ्लेक्शन एंट्रीज रिवील हर टू बी अ सेंसिटिव एंड थॉटफुल ह्यूमन एंड अ गिफ्टेड राइटर सो ठीक है जब उन्होंने राइटिंग लिखी है वो काफी यंग थी वो एक बच्ची ही थी बेसिकली ठीक है लेकिन उनकी राइटिंग से जो भी कुछ उन्होंने उस डायरी में लिखा है उससे हमें पता चलता है कि शी वॉज अ गिफ्टेड राइटर ठीक है उन्होंने जिस तरीके से खुद भी जिस तरीके से रिफ्लेक्ट किया है उन्होंने दिस इज नॉट अ नॉर्मल राइटिंग ऑफ अ वेरी यू नो यंग She was gifted at it. She was good. She had a very keen sensitivity towards life. But whatever she wrote, she had a very good command over her language as well. That is a picture of her. She died when she was very young. She did not grow up to be old or anything. Her diary was found by her father later on when he survived the Second World War and he got to, you know, he worked hard to get it published. And that is how we know of this diary. Okay. From the Diary of Anne Frank is an autobiography of a young Jewish girl who wrote her thoughts in a diary. At first she felt it was an unusual experience for her to pen down all her thoughts. She believed that no one in the near future would be interested to read about a young girl's past experiences from her diary. However, she still decided to write her thoughts in her diary and named it Kitty. Okay, so her, the name of her diary is Kitty. She considered her diary to be her true and loyal friend as she was lonely and had no friends to talk to, and felt that her diary had more capacity to absorb thoughts than people with low patience levels. Further, she mentioned how she loved her family, especially her adorable father, who gifted her the diary on her 13th birthday. So, okay, so we start this diary, especially this chapter. Which part of the diary are we reading? We are reading the first entry of this diary. Okay? जब उसे डायरी मिली थी अपने थर्टींथ बर्थडे पे उसके फादर ने उसे गिफ्ट की थी तो द फर्स्ट एंट्री दैट शी इज पुट इन दिस डायरी राइट right? हम वो अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ उतना ही है ठीक है हर डायरी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लॉन्ग पेजेस राइट लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट तो उसकी जो फर्स्ट एंट्री है डायरी की ठीक है उसमें उसने क्या लिखा हुआ है सबसे पहले तो शी इज नेम्ड अ डायरी किटी एंड शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाई शी इज राइटिंग दिस डायरी ऑल्दो दो नो बडी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट उसे नहीं लगता कि उसकी जो थॉट्स है एक वर्ड यूज किया है उसने म्यूजिंग्स उसे नहीं लगता है कि उसके जो म्यूजिंग्स है जिन चीजों के बारे में वो सोच रही है जो चीज़ है वो इंटरेस्ट जिनमें आ रहा है उसे जो भी वो रिफ्लेक्ट करती है वो सब कुछ इंटरेस्टिंग है उसे नहीं लगता कि किसी को भी इससे कुछ मतलब रहेगा शी डजंट नो व्हाटस गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर ओके शी इज जस्ट टेलिंग व्हाई शी इज राइटिंग इन अ डायरी बिकॉज़ शी वांट्स टू हैव अ फ्रेंड शी थिंक्स दैट डायरी इज हर बेस्ट फ्रेंड व्हाई बिकॉज़ शी फील्स दैट द डायरी इज गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ हर थॉट्स ठीक है शी फील्स

एंड स्टार्टेड हाउ हर एंटायर क्लास वॉज नर्वस अबाउट देर एग्जाम रिजल्ट ऑल दो शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स शी वॉज एंड क्वाइट श्योर अबाउट मैथमेटिक्स शी एंड अर फ्रेंड जी प्लीडेड विद द स्टूडेंट्स टू कम डाउन एंड नॉट मेक नॉइज बट ऑल इन वेन शी फील्थ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास वर डमीज हु केप्ट बैक इन द सेम क्लास एज देर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज ठीक है तो एन जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में जाने वाली है एंड शी इज थिंकिंग कितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं <coughs> जो कि ऐसे हैं कि दे डोंट डिजर्व टू गो टू द नेक्स्ट क्लास दे शुड स्टे बैक इन दिस क्लास ठीक है एंड शी इज ऑल्सो नर्वस अबाउट हर ओन रिजल्ट इज वेल ठीक है बिसाइड्स एन ऑल्सो मेशन हाउ द मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग वाज वॉज बाय हर टॉकेटिव नेचर ही वुड ऑफन पनिश हर विद एक्स्ट्रा होमवर्क वेन शी टॉक मोर ड्यूरिंग हिज क्लास इन द फर्स्ट पनिशमेंट ही टू राइट एंड एस ऑन अ चैटर क्या होता है हमें पता है वैन हू टॉक्स अ लॉड राइट And Anne is a chatterbox, according to Mr. Keesing. Okay, which in itself was a weird topic for Anne. She gave good thought to the topic and decided to present convincing arguments in her essay, justifying her points in supporting of in support of talking. Okay, she mentioned that she would try to improve herself, but she could not do anything about the trait that she inherited from her mother.

उसके टीचर ने इसीलिए उसको नेक्स्ट टॉपिक दिया है हैिजिबल इन इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी इम्प्रूव कैन नॉट बी अंडन दैट मींस एन चैटर बॉक्स वो होगा जो कि बातें करना रोक ना सके खुद को नहीं रोक सकता बातें करने से और इस टॉपिक तो ने फिर से एक ऐसे लिखने के लिए दिया

Anne almost ran out of thoughts after writing essays on similar topics previously. This time she took the help of her friend, son, who was good at poetry and wrote the essay from beginning to end in satirical verse. When her teacher read the essay, he took it lightly and thoroughly enjoyed it. Since then, Anne was allowed to talk in class and was never assigned any extra homework by. मिस्टर कीजिंग सो दैट इज़ अ वेरी ह्यूमरस एंट्री एट द एंड व्हाट हैपेंस वो एक अपनी फ्रेंड की हेल्प लेती है विच हु इज़ गुड एट पोएट्री ठीक है उसकी दोस्त जो है सैन वो पोएट्री लिखने में काफ़ी अच्छी है तो वो उसके लिए पूरे ऐसे को वर्ड्स में लिखती है ठीक है सटायरिकल वर्ड्स में काफ़ी ह्यूमरस से वर्ड्स वर्ड्स हमें पता है पोएटिक लैंग्वेज में ठीक है राइमिंग वर्ड्स में इस तरीके से वो लिखती है मिस्टर कीजिंग बहुत इंप्रेस होते हैं इस चीज़ से एंड देन ही Basically, understands that Anne is not a, you know, she is not a bad student. She is not a, you know, someone who is talking just for the sake of it. She is talking because she, that is her nature and she does not have any, you know, ill intent behind it. Okay? allow if you usko assign Let's look at some questions of the chapter. Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings? of a 13-year-old girl it is human tendency that kids are often not considered seriously by others being a 13-year-old girl anne thought that most people wouldn't give importance to a child's perspective towards the world because they thought children were too immature to talk about worldly matters however anne frank's diary was popular among the masses and was translated into different languages and she became one of the most renowned and discussed holocaust victims okay तो एन फ्रैंक जो है ऑल दो क्यों उसने कहा है कोई भी म्यूजिंग में ऑफ ए थर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल बिकॉज शी इज क्वाइट यंग नो बडी इज टेक हर सीरियसली बट एज वी सी दैट हर रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ द वे शी थिंक्स अबाउट लाइफ द वे शी थिंक्स अबाउट द पीपल अराउंड हर शी हैज अ वेरी मच माइंड राइट द वे शी थिंक्स इज नॉट एग्जैक्टली लाइक यू नो वट वी कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? Anne's diary was originally written in Dutch. It was different from other entries in several aspects. She had named her diary Kitty. She wrote in an informal tone that executed a, that exuded a teenager's carefree nature. She confided her feelings and secrets in it as she considered her diary to be her,

तो वो इसको सब अपनी बातें बताएगी अपने दिल की सारी फीलिंग्स इस डायरी से शेयर करेगी तो उसका एक जो लिखने का तरीका है दैट इज इनफॉर्मल मतलब कि वो इस तरीके से बात कर रही है जैसे वो एक दोस्त से बात कर रही है उस तरीके से वो उस डायरी में एंट्रीज लिखती है ओके दैट इज हाउ इट इज रिटन ऑल्सो द ओरिजिनल लैंग्वेज इज डच बिकॉज शी वॉज लिविंग इन एमस्टरडेम एट द टाइम डच इज द लैंग्वेज ऑफ नीदरलैंड ओके तो वो उसी लैंग्वेज में ओरिजिनली राइट की गई थी डायरी why does anne need to give a brief sketch of her family? does she treat kitty as an insider or outsider? anne briefly introduced her family in the diary because she felt that it was hard to make others realize that a teenager like her could write about loneliness and all the events happening around her in a mature manner. she talked about her adorable father, compassionate mother, beloved grandmother and loving elder sister in her diary which she addressed kitty. She, she, kitty was gifted to her by her parents on her थर्टींथ बर्थ डे एंड शी कंसिडर्ड इट एज हर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रीटेड इट एज एन इंसाइडर एज शी कूड कन्फाइड ऑल हर फीलिंग्स एंड इमोशंस बाई राइटिंग इन इट ओके इनसाइडर की तरह कर रही है ऑब्वियसली बिकॉज शीज शेयरिंग ऑल ऑफ अर सीक्रेट्स ऑल ऑफ हर फीलिंग्स विद डायरी राइट और वो अपने फैमिली के बारे में बताती है क्यों फॉर अ बैकग्राउंड फॉर अ रेफरेंस क्योंकि अगर कोई भी पढ़ेगा तो ऐसे ही रैंडमली तो नहीं समझेगा शी नीड्स टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ शी नीड्स टू इंट्रोड्यूस हर

स्कूल की टीचर थी ओके? एमस्टर शी केम फ्रॉम क्यूपरस और मिस्टर कीजिंग उसके करंट मैथ्स टीचर हैं, ठीक है थीके? तो इन सबके बारे में उसने जिस तरीके से लिखा है इट शोज दैट शी इज वेरी अटैच टू दीज पीपल ओकेट द नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज एंड राइट इन हर फर्स्ट एस Mr. Keesing had asked to write an essay on the topic of a chatterbox as a punishment for her talkative nature. In the essay, she wrote about the effects of being talkative and also argued that she had inherited from her mother, who was also very talkative. She justified this by saying that nobody could do anything about inherited traits. Therefore, difficult to give up a habit so easily, and it also formed a part of a student's trait. Reading this, Mr. Keesing also had a hearty laugh at the argument given by Anne.

Arguments. <clears throat> Anne says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keezing unpredictable? How? Anne cited the perfect example of Mr. Keezing as an unpredictable teacher because she felt that Mr. Keezing was indifferent towards her behavior and always rebuked her for her talkative nature. Although he punished her initially by assigning extra homework after reading her essays, he enjoyed a good laugh and thereafter never gave her such punishment, allowed Anne to talk in. नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो दिस क्वेश्चन वट डू दीज स्टेटमेंट टेल यू अबाउट एंड फ्रेंक एज अ पर्सन सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं वी डोट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स माई फॉल्टैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर ठीक है, <coughs> okay, so है? <coughs> किसके बारे में दीज लाइन शो दैट एंड डिड नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स एंड होम शी कु्रेट देर फॉर शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर हर

रातर देन सिंपली जॉटी डाउन जॉटिंग डाउन फैक्स लाइक अदर पीपल डू ठीक है वो उस डायरी को सिर्फ एक डायरी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहती है मार्गो वेंट टू हॉलेंड इन डिसेंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एस बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गो मार्गो � She had a witty personality and wrote the line in a funny tone. The words plunked down exhibit her sense of humor. Basically, Marco jo thi uski badi sister wo ek se she did not know ki Anne anewali right? So, that is like plunked down, that means I was given to my sister as a birthday present, okay? <coughs> Next line is if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class. Should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on Earth. Alright? of course this statement kafi bar question? Aata hai. Okay. This line implies that Anne thought that a quarter of the class were dumbheads and she was intelligent enough to make it to the next class. She called the teachers the most unpredictable creatures on Earth because it was quite uncertain who would fail or pass and make it to the next grade. Lagta tha ki you can never know why teachers are doing something that they do. How they decide things and how they decide who is going to the next class and who is staying back. Okay. <coughs> Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Okay. This line she used about her essay, she is not going to just fill some pages, she needs to write a very good argument. Okay. <coughs> This statement imp implies that Anne was talking about writing. She was given extra homework to write essays by Mr. Keesing as a punishment for her talkative nature. Although that was extra work for her, she wanted to do it with full vigor. She did not want to leave big spaces between the words to make the essay look voluminous. She wanted to write convincing arguments to prove the essence of talking. That way her approach to writing was different from others. She wanted to make a very good argument for her.

उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेज या कुछ भी हो वो किसी भी तरीके से <coughs> 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 किसी भी वजह से हम किसी भी एक प्रीटीन को कम नहीं समझ सकते हैं व्हाई बिकॉज दिस चैप्टर शोज हाउ रिफ्लेक्टिव एंड फ्रैंक रियली वाज राइट आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड यू कैन सॉल्व ऑल द रियली वेल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय